हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी का जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 14 अगस्त को है, 14 अगस्त को है। और साथ ही साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एनसीवैप का एग्जाम पहले है तो आप सभी के लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल है, 100% श्योर हूँ मैं आप सभी के लिए। चाहे आप रेगुलर में पढ़ते हो, एनसीवैप में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 3 में से 2 क्वेश्चन आप सभी के जरूर दिखेगा। या तो आपसे राजभाषा पूछेगा, या आपसे राष्ट्रभाषा पूछेगा, या आपसे संपर्क भाषा पूछेगा। कितने मार्क्स में पूछेगा तो 5 से 10 नंबर में पूछने की आसार है और ये आंसर आप सभी के लिए रेलेवेंट है। 10 मार्क्स में आपसे जब भी पूछेगा, जब 2 चीज़ें एक साथ पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर आप समझ के रखिए। दूसरी चीज़, जैसा कि ईवीएस में हमने आपको बताया था वही पेपर में आया, उसी तरीके से आप सभी की हाईली डिमांड पे ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए आप लिंक पे आप जाकर इंस्टा मोजो से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फ्री में आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आप इसे परचेज करना चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा की या फिर संपर्क भाषा होती क्या है। तीनों अलग अलग है और तीनों का रोल अलग अलग है, लेकिन है तीनों हिंदी भाषा ही। कैसे, यहाँ पर आपसे पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए हिंदी भाषा एक हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्यभाषा है, कैसे स्पष्ट करें। हिंदी आज संपर्क साधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत एक विविधताओं वाला देश है, लेकिन हिंदी भाषा का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा या इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्यथा सीधा शॉर्ट में आपसे राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा ये लिखा हुआ भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले हिंदी भाषा का हम इंट्रो देंगे और आप लोगों को हिंदी भाषा का इंट्रो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा कि हिंदी भाषा जिसकी जननी संस्कृत है, संस्कृत भाषा से निकली है। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, पहले आप सभी के लिए ये आपको क्रम तो बिल्कुल याद होना चाहिए। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा कब प्रचलन में थी तो ध्यान रखना है 1500 जो BC है ईसा पूर्व से आपका 500 BC तक। इसके बाद में संस्कृत भाषा के बाद में आती है आपकी पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा इसका कालखंड क्या है तो आपको ध्यान रखना है 500 BC से 1 AD तक, ये प्रथम शताब्दी AD तक, आप इसको ये भी कह सकते हो प्रथम शताब्दी AD तक। इसके बाद में नीचे आती है आपकी प्राकृत भाषा, ये बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। प्राकृत भाषा पहली शताब्दी यानी AD से लेकर आप सभी को ध्यान रखना है 500 AD तक यानी ईस्वी तक। प्राकृत भाषा के बाद में नीचे आप सभी के लिए आएगा अपभ्रंश, 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 अपभ्रंश के बाद में, इसके बाद में अपभ्रंश का काल आप सभी को ध्यान रखना है। अपभ्रंश का काल जो है अब इसके बाद में 500 से 700 और फिर 700 से 1100 से आपका अपभ्रंश के अंदर ही बिचिड नाम का एक काल आता है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा आपको चार्ट याद रखना है। और ये वैसे तो इस क्वेश्चन में इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हिंदी भाषा आज हमारे पास में अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो जिस तरीके से हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है, वो संस्कृत भाषा है। मिंट्रो में कहेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है और हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी है और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, आज संस्कृत जो है भारत के अंदर एक बहुआयामी भूमिका निभा रही है। बहुआयामी भूमिका निभाने का मतलब यह है कि किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्सेप्ट में हमें इसको समझना है। सबसे पहले हम राजभाषा की बात करेंगे। देखो यहाँ पर नाम में क्या लग रहा है आपके, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ लग रहा है राज, राज का मतलब होता है शासन। तो हिंदी भाषा जो है आज के समय में ये राजभाषा है और एक होता है राष्ट्रभाषा, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर समझ रहे हैं राजभाषा वे भाषा होती है जिससे प्रशासन संभाला जाता है, तो हिंदी राजभाषा भी है। दूसरी बात, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये है कि जो आम बोलचाल की भाषा है जिसे हम संपर्क भाषा के रूप में भी राष्ट्रभाषा को देख सकते हैं। ध्यान रखना है ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के चलता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पेपर में सिर्फ संपर्क भाषा पूछेगा तो आप संपर्क भाषा करके इसका आंसर लिखेंगे और वो कैसे लिखेंगे ये आपको अब पता चल जाएगा। इससे पहले यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि भाई राजभाषा
ये भाषा वह भाषा होती है जिस भी देश की राजभाषा होगी, जिससे देश की शासन व्यवस्था या सरकारी कामकाज जिससे होता है, ये क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। इसमें प्रशासनिक कार्य ध्यान रखना है या फिर प्रशासनिक जो व्यवस्था है, प्रशासनिक जो वर्ग है, ये इस भाषा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट अभी नीचे। इसके अलावा जो राजभाषा है, सब में आपको राजभाषा राजभाषा करके हेडिंग नहीं बनानी, आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं तो आप इसको ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें शासन और जनता के बीच में संबंध स्थापित करना करने का कार्य करती है राजभाषा। किस कार्य आती है? तो शासन और जनता के बीच में संबंध स्थापित करने के कार्य करती है। भारत में पहले संस्कृत राजभाषा थी जब राजा महाराजा शासन करते थे, और अब बाद में अगर वर्तमान समय में देखें तो हिंदी राजभाषा है, क्योंकि भारत के अंदर ये संपर्क के भी काम आती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से कहां पर 351 तक, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विभिन्न विषयों का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट आपको राजभाषा का ये याद रखना है। चौथा पॉइंट आप सभी को ये याद रखना है कि राजभाषा अनुच्छेद 343 के सी के अनुसार संसद के कार्यों के लिए जो है, राजभाषा में संसद के कार्यों के लिए संस्कृत तो यूज अब ना के बराबर होती है, अब नहीं होती है, पहले भी नहीं यूज होती थी। इंग्लिश और हिंदी का आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ भाषाएं हैं उनसे भी कार्य हो सकता है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में अंग्रेजी को सिर्फ 10 वर्षों के लिए किया गया था। फिर आने वाले टाइम पे और ज्यादा इसकी जैसे अंग्रेजी की प्राथमिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पहले तो 10 वर्षों के लिए था, वैसे वैसे इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा राजभाषा अनुच्छेद 343 ए के अनुसार हिंदी सहित और भी भाषाएं अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अगला पांचवा पॉइंट आप सभी को ये मेंशन करना है। छठे पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 351 ये कहता है कि संघ यानी जो केंद्र सरकार है का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाएगी। ध्यान रखना है केंद्र सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट है, देखो आपसे एक 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप 7 करके जाइए, इसमें से 8 में से जो आपको एक नॉर्मल लगे आप उसको छोड़ दीजिए, या आपको जो कठिन लगे वो छोड़ दीजिए, वैसे कठिन तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद करें तो यह देश में एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। बोलोगे कैसे एकता के सूत्र में बांधती है? तो पूरे देश की अगर प्रशासनिक भाषा एक ही होती है तो सबको एक बनाती है ये। जैसे आज वर्तमान समय में हिंदी का तो इतना महत्व नहीं रहा क्योंकि 21वीं शताब्दी हम जी रहे हैं, ज्यादातर काम जो है, ज्यादातर ऑर्डर्स हैं, ज्यादातर फंक्शंस हैं, वो सब इंग्लिश में ही होता है, लेकिन बट फिर भी हिंदी का रोल है, हिंदी का भी रोल है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा के रूप में, अगर राजभाषा के रूप में हिंदी जो है राजकाज के कार्यों में और देश में एकता स्थापित करने की कोशिश करती है, दोनों पॉइंट सिमिलरली अगर लगे तो आप एक ही याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या है? ये वह भाषा होती है जो राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर जनसाधारण के द्वारा बोली जाती है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो अधिकांश जो लोग हैं वो अगर ज्यादातर किसी एक भाषा का उपयोग करते हैं तो वो हमारे किसके अंदर आता है? आपको ध्यान रखना है, वो ऐसी बोली ऐसी भाषाएं हमारी किसके अंतर्गत आती है? ऐसी बोली वह भाषाएं हमारी आ जाती है राष्ट्रभाषा के बीच में, ठीक है, जो ज्यादातर पब्लिक जिन भाषाओं को क्या करती है, बोलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रभाषा का आरंभ में एक शुरू में राष्ट्रभाषा क्या होती है? एक बोली होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जैसे जैसे जन सामान्य लोग उसको अपने धार्मिक रिवाज, आर्थिक रिवाज या अपनी सुगमता के कारण उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब वो थोड़ी और विकसित हो जाती है तो ये किस रूप में आ जाती है? राष्ट्रभाषा के रूप में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, भी मैंने आपको बताया था अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई है, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई है और क्षेत्रीय बोलियां भी आई हैं अपभ्रंश के बाद, जिसमें बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सारी की सारी भाषाएं हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये सब भाषा अपभ्रंश के बाद आई है, तो अपभ्रंश से पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ पर जो है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर संस्कृत भाषा, ये भाषाएं ज्यादा चलती थी। तो इन भाषाओं के ज्यादा चलने का क्या महत्व है? तो यहाँ पर आप सभी को सिंपल सा इस चीज को ऐसे ही समझ के चलना है कि हमारे देश के अंदर जैसे जैसे समय बदल रहा है, कोई भी एक बोली हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राथमिकता बढ़ती है, जैसे जैसे लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको यूज करते हैं, वो आगे चल के राष्ट्रभाषा भी बन सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाइम दिखाया था, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि इस पूरी बुक में वो बिल्कुल बार बार यूज होने वाला है, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ सके। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ये विभिन्न
संप्रदायों के बीच में संपर्क साधने के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना है राष्ट्रभाषा कैसे यूज होती है, तो ये अलग अलग संप्रदाय के बीच में संपर्क साधने के कार्य आती है। राष्ट्रभाषाओं में वर्तनी या व्याकरण का या स्वर की ध्वनि का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता या विशेष तवज्जो नहीं दिया जाता। दूसरी ओर जो राजभाषा है, अब ये वाला पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से राजभाषा के अंदर हम व्याकरण शुद्धि वर्तनी इन सब का ध्यान रखते हैं, और राष्ट्रभाषा की बात करें तो इसके अंदर दिमाग हम इसको ध्यान नहीं रखते। क्यों ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये सिर्फ संपर्क करने सिर्फ बोलने में काम आती है। तो बोलने टाइम मैंने कहा मैं और मैं, तो मैं होता है, तो यहाँ पर हम कई बारी हम ये नहीं समझते कि इसमें की बात हो रही है इसमें की बात हो रही है। तो ऐसी चीजें ऐसी स्किल्स जब ऐसी बातें हम यूज करते हैं जब राष्ट्रभाषा संपर्क करते हैं तो हम कई बार उच्चारण संबंधित दोष हो जाता है, हम कुछ बोलना चाहें लेकिन कुछ और बोल देते हैं, लेकिन उसका अगर मतलब समझ जाता है सामने वाला व्यक्ति तो हम समझ जाते हैं कि वो हमारी बात को समझ चुका है। ठीक है, तो उस जगह पर राष्ट्रभाषा सक्सेसफुल है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा है वो हिंदी भाषा के तीन रूप में अपनी भूमिका को निभा रही है, जैसे आज राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। हिंदी भाषा जो आज तीन तरीके की भूमिका निभा रही है, तो इसका भी पांच नंबर का आएगा आपका अगर ये आएगा, तो ये भी आप लोगों को पूरा प्रिपेयर करना है। अब बात आती है संपर्क भाषा के ऊपर। संपर्क भाषा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है पहली बात तो संपर्क भाषा को इंग्लिश में ध्यान रखना है क्या बोलते हैं, लिंगुआ फ्रेंच। और ये क्या है कि लिंगुआ फ्रेंच बोला जाता है इंग्लिश में, और जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य बोली या लोक बोली। ध्यान रखना है संपर्क भाषा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो लिंगुआ, ये यू लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, लिंगुआ फ्रेंच। लिंगुआ फ्रेंच बोला जाता है जिसका मतलब होता है लोक बोली या सामान्य बोली, ये ध्यान रखना है आप सभी को। दूसरी बात संपर्क भाषा में, संपर्क भाषा के रूप में कुछ लोग भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करने वाले के बीच में संपर्क साधते हैं। ध्यान रखना है संपर्क भाषा क्या होती है, वो भाषा होती है जो अलग अलग बोली बोलने वालों के बीच में भी संपर्क साधने का कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी की बात करें, आज हमें हिंदी आती है तो हम क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हम तमिल में भी साउथ की तरफ जाते हैं, तमिल जन सामान्य भाषा है लेकिन हिंदी वहाँ पर भी बहुत से लोग समझते हैं। तमिल को छोड़ दें, हम बंगाल जाते हैं तो बंगाल में भी अधिक से अधिक लोग हिंदी को समझते हैं, ज़्यादातर लोग समझते हैं। इसके अलावा हम बिहार जाते हैं, हम गुजरात जाते हैं, तो अलग अलग जो बोलियां बोली जाती हैं उन लोगों के बीच में जो संपर्क साधने का काम है ये इसके द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संपर्क भाषा क्या है, तो संपर्क भाषा अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा भारत के अंदर उसके रूप में अंग्रेजी भी यूज होती है और हिंदी भी यूज होती है संपर्क भाषा के रूप में। अगर आप देखना चाहो इंग्लिश भी यूज होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं, बाकी अन्यथा जो हिंदी भाषा का भी उपयोग अत्यधिक होता है। इसके बाद में संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो कि प्राकृतिक और नैतिक रूप से विकसित होती है। ध्यान रखना है संपर्क भाषा कौन सी भाषा होती है, वो जो कि प्राकृतिक और नैतिक रूप से विकसित होती है और यह सामाजिक आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है। ये क्या करती है, सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वाला पॉइंट भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपर्क भाषा देश की समृद्धि में, जैसे जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका आदि में संपर्क भाषा या अन्य भाषाएं होती है। संपर्क भाषा ज्यादातर देश प्रेफर करते हैं अपनी भाषाओं को, उसमें लोग कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं, अपनी बातों को आपके सामने रखने में अपनी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला है, लास्ट पॉइंट है इसका, संपर्क भाषा हिंदी भाषा को तीन रूप में अपनी भूमिका को निभाता है, एक राष्ट्रीय स्तर में, पिछला वाला पॉइंट ही, एक राज्य भाषा में और एक राष्ट्रभाषा में, हिंदी भाषा के रूप में बात करें। इसके अलावा संपर्क भाषा अगर हम देखें तो संपर्क भाषा किसी देश की कोई भी भाषा हो सकती है और ये बेसिकली देशों के बीच में जो है संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग भाषाएं होती है, वो इन भाषाओं को छोड़ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिससे वो आपस में क्या कर सके, संपर्क कर सके, ऐसी भाषाओं को ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। नाउ ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए हमारे कुछ वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ना चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपनी अगली वीडियो में।